हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के मुख्य बाजार महरे में नशे में धुत युवकों ने हरियाणा नंबर की गाड़ी से लोगों को टक्कर मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार से आ रही हरियाणा नंबर की गाड़ी पैदल राहगीरों से टकराने के तुरंत बाद फरार हो जाती है और आगे जाकर स्मो के पास सड़क किनारे खड़े टिप्पर से जाकर टकरा जाती है, जिसमें गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें से मौके पर 3 लोग फरार हो गए, जबकि 2 लोगों के जख्मी होने पर बड़सर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर डीएसपी जसवीर सिंह ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। पुलिस ने हरियाणा नंबर की गाड़ी को लापरवाही से चलाने पर पुलिस में मामला दर्ज किया है। वहीं गाड़ी से एक खिलौना पिस्तौल और एक राइफल भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार गाड़ी के बाजार में टकराने की घटना के समय गाड़ी में लोगों ने हथियार देखे थे, जिससे लोग भी दहशत में आ गए थे। लोगों के अनुसार इनकी गाड़ी में कुछ हथियार भी दिखाई दिए। राहगीरों को टक्कर मारने के बाद वे गाड़ी भगा लेने से बाजार में हड़कंप मच गया तथा लोग तरह तरह के क्यास लगाने लगे। डीएसपी बड़सर जसवीर सिंह ने फोन पर बताया कि हरियाणा नंबर की गाड़ी महरे बाजार में 2 लोगों को टक्कर मारने के बाद स्मो के पास टिप्पर से जा टकराई है। गाड़ी से एक खिलौना पिस्टल व डिक्की में सिंगल बैरल राइफल बरामद की गई है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने पर मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने पर मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गया है।